साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ तोहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच समाअत करेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर की घिनौनी साजिश बेनकाब, सीपैक पर लिखी गई किताब में पाकिस्तान का गलत नक्शा शाया कर दिया गया। डॉक्टर राणा एजाज ने सफा नंबर 152 पर बल्तिस्तान और कश्मीर को भारत का हिस्सा जाहिर कर दिया। किताब को सरकारी खर्चा पर पंजाब यूनिवर्सिटी प्रेस से छपाया गया। वाइस चांसलर का नोटिस, तहकीकात का फैसला, किताबें वापस मंगवाने का हुक्म। एसएचओ की तैनाती के बाद नए इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी आ गए। 31 इंस्पेक्टर्स इन्वेस्टिगेशन सेंटर AVLS और CIA में तैनात। तमाम इंस्पेक्टर्स को काला गुज्जर सिंह में इंटरव्यू लेने के बाद तैनात किया गया। ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले पेट्रोल चोरी करने लगे। पेट्रोल चोरी में मुलविस वार्डन शहजाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ट्रैफिक वार्डन एक ही कार्ड पर 5 मोटरसाइकिल्स में पेट्रोल डलवाता रहा। इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर वार्डन को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मालम रोड प्लाजे में आतिश जदगी, इब्तदाई रिपोर्ट जारी। आग मेजुनट फ्लोर पर मौजूद तारों के गुच्छे में लगी। हंगामी खराज के रास्ते मौजूद थे, आग लगी या लगाई गई, तहकीकात जारी है। प्लाजे में कोई अहम सरकारी दफ्तर नहीं। 43 अफराद को बाहिफाजत प्लाजे से निकाला गया। घुटन से मुतासर 7 अफराद अस्पताल में जेर इलाज। एक शख्स छलांग लगाने के बायस जांबा खो गया। इब्तदाई रिपोर्ट। ब्यूटीफुल मॉल रोड और होल रोड छुट्टी के रोज भी इंतजामिया इनेक्शन। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन और जिला इंतजामिया का होल रोड पर मुश्तरका ऑपरेशन। जहाजी साइज के साइन बोर्ड उतार लिए गए। गैर कानूनी मजबाखानों में बीमार लाकर जानवरों को जिबा करने का मकरूह कारोबार। फूड अथॉरिटी का बकर मंडी, अलामा इकबाल टाउन और चंदरी रोड में छापे। 3 मजबाखाने सील कर दिए गए। 3600 किलो मुजरे सहित गोश्त कब्जे में ले लिया गया। शहर में चोरी डकैती की वारदातें थम ना सकी। दोगेज टाउन में चोर सुपर स्टोर का सफाया कर गए। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज को मौसूल। कमाहा रोड पर खातून स्कूल प्रिंसिपल को डाकुओं ने लूट लिया। तलाई जेवरात नकदी मोबाइल फोन लूट कर फरार। कोट अब्दुल मालिक के इलाके फैक्ट्री एरिया में 3 मसल्ला डाकू शहरी से 6 लाख रुपए छीन कर फरार। पुलिस डाकुओं को पकड़ने में नाकाम। अवामी शिकायत के लिए अस्पताल टोल फ्री कॉल सर्विस का आगाज। शहरी अस्पताल की इमरजेंसी में शिकायत के लिए मुफ्त कॉल कर सकेंगे। सूबाई वजीर यास्मीन राशिद का कहना है कि सरकारी अस्पतालों पर अवाम का एतमाद बढ़ाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। अस्पताल की इमरजेंसी में शिकायत की निगरानी खुद करूंगी।